सोशल मीडिया पर आमर लियाकत हुसैन की एक वीडियो वायरल है जिसमें वो मरियम नामी खातून से बात कर रहे हैं जो कि गालबन मीडिया पर्सनैलिटी है। मरियम ने दानिया का इंटरव्यू लिया था और उसके फौरन बाद आमर लियाकत हुसैन से राबता किया और उनकी वीडियो से मुतलिक दरियाफ्त किया। इन वीडियोस में आमर लियाकत हुसैन नशा करते हुए दिखाई दिए गए, जिस पर आमर लियाकत ने मरियम को जवाब देते हुए बताया कि ये तमाम नशे दानिया खुद लेकर आई थी और अगर आपको मेरे पर शक है तो मेरा मेडिकल टेस्ट करवा लें। वो ये सारे काम करती थी, वो ही सारे नशे लोधरा से लेकर आई थी। आमर लियाकत हुसैन ने दानिया के नशे से मुतल्लिक इल्ज़ामात को हंसकर रद्द कर दिया। वीडियो में मरियम और दानिया के दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी सुनी जा सकती है, जिसमें मरियम ने सवाल किया कि जब हम आपसे मिलने आए तो आपने वीडियो देने से इनकार कर दिया, तो फिर आपके मोबाइल की वीडियोज़ कैसे सोशल मीडिया पर बाहर निकली। उस पर दानिया ने कहा, मुझे लगता है मेरा मोबाइल हैक हो गया है, अकाउंट खुद ब खुद लॉग इन हो रहा है, इंस्टा पर भी तब्दीली हो रही है। आमर लियाकत का मरियम से कहना था कि जिनके पास आप गई हैं ये झूठ बोल रही हैं और झूठ बोलने वालों से मैं क्या बात करूं, वो झूठी आपको गलत खबरें दे रही है, कई दिनों तक मेरे साथ रही और अब कह रही है कि मुझे खाना नहीं दिया। मैं खुद तकलीफ़ में हूं कि मैंने एक लड़की को सहारा दिया और वो मुझ पर तोहमत लगा रही है, हालांकि इस लड़की ने गंदी बातें की हैं लेकिन मैंने इनके घर वालों की मदद की, पैसे दिए। सिर्फ इस माह मैंने दानिया के घर वालों को 22 लाख रुपए दिए, ने बेटा बनकर उनकी मदद की। अब इस जंग का सिर्फ एक ही हल निकलता है कि मैं इस हालत में भी इसे कबूल करने को तैयार हूँ। अमर लियाकत ने बैंक अकाउंट से मुतल्लिक भी बताया कि मेरे पास बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं जिनके मुताबिक मैंने इन्हें पैसे दिए, जबकि दानिया को मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो वापस अपने घर आ जाए।